टाइगर 3 दिनों सफलता का जश्न मना रही है। सुपरस्टार सलमान खान इस तीसरी फ्रेंचाइजी का भी चेहरा है। सलमान खान टाइगर फ्रेंचाइजी की कामयाबी का श्रेय एक्शन जॉनर और ज्यादा जोया और टाइगर की प्रेम कहानी को देते हैं। वो इस फ्रेंचाइजी को सबसे अहम USP करार देते हैं। उर्मिला कोरी से हुई बातचीत का प्रमुख अंश भी है। आपको बताते चले कि एक था टाइगर की सफलता का पूरा श्रेय कबीर खान को जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत के लिए फिल्म की काफी बड़ी सफलता हासिल की। बता दें आप सबको कि फ्रेंचाइजी के साथ तब तक आगे नहीं बढ़ सकते थे जब तक पहली बार बहुत बड़ी फिल्म हिट ना हो जाए। तो ये काम कबीर खान ने पहली ही फिल्म में कर दिया था। फिल्म अली अब्बास जफर ने टाइगर जिंदा है के साथ इस फिल्म को आगे बढ़ाया और एक सफलता हासिल करी। अब मनीष ने ये सर्वश्रेष्ठ टाइगर सीरीज बनाई है। फिल्म की कहानी बहुत खास है, यह मन का संदेश देती है जो किसी भी फिल्म का मकसद होना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट होती है तो आपको अच्छी फिल्म बनानी चाहिए, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक फ्रेंचाइजी फिल्में आ रही हैं, मुझे अब लगता है कि एक गैप होना चाहिए। आपको इसी के साथ बताते चले कि शाहरुख खान के साथ फिल्म को लेकर भी उन्होंने खुलासा किया। जी हाँ, आपको बता दें कि मैंने हमेशा डबल हीरो वाला रोल प्ले किया है। शायद मैं अकेला इंसान हूँ जिसने इतनी सारी डबल हीरो वाली फिल्में की है। मुझे डबल हीरो या ट्रिपल हीरो वाली फिल्मों से दिक्कत नहीं। आजकल की पीढ़ी बहुत असुरक्षित है। ये डबल हीरो या मल्टीपल हीरो वाली फिल्म नहीं है। हम सुरक्षित थे और हम समझते थे कि नायक एक साथ काम करते हैं तो दोनों एक्टर्स के साथ प्रशंसकों यानी कि फैंस की संख्या बढ़ जाती है, जिससे फिल्म को देखने वालों की संख्या और बढ़ जाती है। ऐसे में फिल्म के हिट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आज के एक्टर्स ना डबल हीरो करने वाली फिल्में हम तो करते रहेंगे और कामयाबी भी बॉक्स ऑफिस पर लाते रहेंगे। इसी के साथ शाहरुख खान को लेकर भी सलमान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि शाहरुख खान के साथ काम करना बहुत ही गर्व की बात है और ऐसे में उनके साथ एक बार फिर से जोड़ी के तौर पर आना ये बात साबित करती है कि फिल्म तो हिट होनी ही थी, क्योंकि यहाँ पर साथ में शाहरुख खान थे। नेक्स्ट नाइन लाइव की रिपोर्ट।